जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्ण डेयरी है, सलाना गांव, जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब में। राजेंद्र जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत बड़ा इन्होंने ढांचा खड़ा किया हुआ है और मेहनत के दम पे। तो आज इनके पास मध्य प्रदेश, कश्मीर और यूपी और पंजाब के किसान आए हुए हैं गाय खरीदने के लिए। तो हम सबसे मिलाते हैं आपको कि क्यों आए यहाँ पे भाई, क्या देखा? राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह। नेपाल सिंह जी कहाँ से हैं? एमपी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। आपका क्या नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, हाँ। कहाँ से? श्रीनगर से। श्रीनगर से, हाँ। मोहम्मद अमीन, श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। हरिगोविंद पटेल, एमपी से, होशंगाबाद जी। हसनाबाद जी। इंदल सिंह, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से, कौन से जिले से? जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर से जी। मेरा नाम अमीर सिंह है, हाँ। यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। बुलंदशहर से जी। हाँ जी, दीप सिंह संधु, कपूरथला निडाला शहर। मुछे तो ऐदा ही है जी, फिर जटा दी ऐदा ही होंगे। मुछे सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, हाँ जी। हिंदी बोलते? पंजाबी। पंजाबी हिंदी। वीरविंदर सिंह। वीरविंदर, हाँ जी। राजेंद्र जी के लड़के, हाँ जी। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका हमारी डेयरी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। गाय तो दिखा रहे बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी गाय ली है इन्होंने, कश्मीर से आए भाई साहब, 7 गाय हैं। प्योर में है? इन्होंने 40 प्लस का लॉट लिया है। 40 प्लस का जी। कितने का बैठा लॉट? ये इनको दिया है 7,35,000 में। 7 लाख? 1,05,000 के हिसाब से दिया है। दी है सारी? तो ये भी 1.5 की है? ये भी 1.5 की। तो इसके अंदर सारे करेक्टर सही हैं? ये 50 से ऊपर दूध देगी सर। नहीं, एचएफ के करेक्टर पूरी एचएफ है जी। पूरे हैं? पूरी एबीएस है, एचएफ है। ऑर्डर के साथ में नीचे जो धुनी लटक रही है, हाँ जी, हाँ। तो ये सब कैसी होती है? नहीं, सब के नहीं, रियल में होती है किसी किसी में। अच्छा, ऑर्डर का जो है इसका बड़ा वो चारों पर कोर्स दिख रहे हैं? बिल्कुल जी, पूरा सॉलिड है। और जैसे वो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उस ऑर्डर को, मॉडल ऑर्डर बनेगा। तो कितनी उम्र की है ये? ये लगभग 4.5 साल की है। सेकंड में है? सेकंड में है जी। सेकंड में आती है जी जी। दाल पूरे कर, दूध 50 देगी लगभग। आपकी क्या गारंटी है? हमारी गारंटी है भाई साहब, जो हमारी जजमेंट है और जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से गारंटी है हमारी कि 7 गाय इनकी कम से कम 280 लीटर दूध देंगी। ये लोग पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। तो पहली बार में कसौटी पे खड़े उतरोगे? उतारने वाला उतारेगा हमारा? आप बताओ। हमारा भगवान उतारेगा, हम कौन होते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। तो जिसने लिए उसको बुलाओ। आओ भैया। हाँ जी, अब्दुल रशीद जी। हाँ जी, जम्मू कश्मीर से। हाँ, कौन से जिले से हैं? पुलवामा जिले से। बड़ा खतरनाक जिला है। चलो, लोगों के सामने तो खतरनाक। शांति है? बिल्कुल, हम शांत हैं। अच्छा, ये जो आप गाय खरीदने आए हैं, हाँ, तो आपने ये कितने की खरीदी है? हमने ये 7 गाय इकट्ठे खरीदे। 1,05,000 के साथ? हाँ। तो पूरा आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है? है, पूरा अनुभव। पहले कितने हैं वहाँ पे? मेरे घर पर भी 5-6 डंगर हैं। तो वो कितना दूध देने वाले हैं? वो 18, 20, 25, 28। मतलब कहाँ से ले गए थे? वो वहाँ का क्रॉस ब्रीड हमने लिया है। 28 लीटर? तो ये क्रॉस ब्रीड जो इन्होंने ली है, तो अब ये जो प्योर ले जा रहे हैं, तो कुछ रख रखाव में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये पहले बहुत 25-26 साल 30 साल के लगभग इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, इनको हमने एक गाय भी नहीं पकड़ाया। इन्होंने हमारे पास कल 40-42 गाय था, इन्होंने हमारे आने से पहले 7 गाय बांध लिया था। अच्छा, अलग कर लिए? हमारे कहने से एक गाय भी नहीं डाला इन्होंने। तो इनका सारा खुद का एक्सपीरियंस है। कब तक भी आने वाली है ये? ले 4-5 दिन ले जाएगी। अभी 4-5 दिन ले जी। राजेंद्र जी, ये 4 दांत दिखा रहे हैं जी। 1.5 में गई जी। दूध कितना होगा? कम से कम 35 लीटर। 35? वो 50 वाली थी, ये 35 भी आ गई। इसका लिटरेशन कौन सी है? फर्स्ट में है। फर्स्ट में है जी। फर्स्ट में। और हाइट और लंबाई देखिए। नहीं, वो दांत सुनकर तो नहीं कह दी 4 में कि सेकंड में। तो मैंने पहले पूरे में बोलता तब भी फर्स्ट ही है। फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगी। अच्छा, और गाय की लंबाई और तो ये हाइट कितना समय मांग रही? 10-15 दिन ले जाएगी, 10 से 15 दिन के बीच में जनेगी। इसमें क्रॉस तो नहीं है? नहीं नहीं, क्रॉस कहाँ, डेनमार्क की है। बिल्कुल, चेहरा देखिए ना आप कैसा सुंदर है। अच्छा, आप ये बताओ, कश्मीर जा रही है जी, तो वहाँ तो आप जानते हैं टेम्परेचर कितना है।
तो हमको भी घुमा दो वहाँ पे। ये बोलते हैं कि ले जाएंगे आपको, खास बोलते हैं कि अशोक जी को साथ लेके आपकी वीडियो देख के हमारे पास आए हैं। अच्छा जी, इनका लड़का MBA है। हाँ। वो एक वकील है यहाँ पर चंडीगढ़ में। हाँ। उन्होंने बोला है कि जाना है तो रजिंदर जी के पास, अशोक जी को जरिए ही जाना है। हाँ। तो जब आप ये खरीद के ले जाओगे ठीक, तो ट्रक के साथ में जाओगे ना अपने? हाँ, ना ना ना, ट्रक के साथ, ट्रक के साथ जाओगे। बिल्कुल नहीं, तो पीछे से लोग कहते हैं बदल दिए, हम तो साथ ही है, को फिर कौन बदलेगा? बड़ी हाइट में है, पूरी हाइट में है, चार वो गले के ऊपर लिख दिया JK सबके। हाँ, उनको टैग लगा दिया जी, हम कान में टैग लगाना अच्छा नहीं मानते। वो अब्दुल रशीद जी आए थे ना, वो कुर्सी छोड़ के जा रहे थे जी, जी। तो हमने कहा कुर्सी ले जाओ साथ में, दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल दोबारा मिलती भी नहीं। यहाँ तो जो कुर्सी चिपक गया वो छोड़ता नहीं है। ये 1.5 अब तो भाव बोलने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, अकेले होती कितने की होती? होती 1.20 की। चार दांत है? चार दांत है जी, पहले 1.20 की, 1.20 की हो जाती है। तो आप मित्रों वाला भाव बोलने लगे? नहीं नहीं, हम तो बेचते, हम तो उनको एक बार भी दाम नहीं, किसी को, तीनों चारों पार्टी आई है, किसी को दाम नहीं बताया। लॉट बना के इनको बोल दिया, जो गाय छांटना छांट लो भाई। अच्छा, दूध कितना होगा इसका? देगी 35-36 लीटर के लगभग। 35-36, तो कितना दोगे इसको फीड? फीड ये खाएगी 10-11 किलो फीड। और साइलेज? साइलेज 25 किलो खाना चाहिए। तो कितना मिनरल देना होगा? मिनरल तो बढ़िया गाय को 100 ग्राम मॉर्निंग 100 इवनिंग देना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि जैसे आपने जो फीड बताई है जी, अगर इतनी हम देते रहें तो बीमारी नहीं आएगी? बीमारी नहीं आएगी तो जानवर की इम्यूनिटी है जो बूस्टर बना, तंदुरुस्त रहती है जब पूरा इम्यूनिटी बन जाएगा। और वो ब्यांत नहीं तोड़ेगी? नहीं, ब्यांत नहीं तोड़ती है, वो सही बात है। ये आपका दावा है? दावा तो नहीं है, लेकिन जे दस्तूर है, कहने का मतलब जो गाय को पूरा डाइट मिलेगा तो वो बच्चे भी सही टाइम पे देगी। जब डाइट प्लान बिगड़ेगा नहीं तो गाय अच्छा ही रहेगी। पहले ये बताओ, इसमें ऑर्डर में हवा कहाँ से भरते हो आप? हवा कहाँ के लिए भरना जी, इतना जैसे दूध वाली गाय है तो ऑर्डर बनाएगी। कब तक भी आएगी ये? लेगी 2-3 दिन अभी। 2-3 दिन लेगी जी। कितना देगी दूध ये? इसको देना चाहिए 40 लीटर दूध। अभी जो पहले गई उसका कितना बताया था? 35-34 और ये 40 तक जाएगी? ये 40 तक जाएगी। तो जैसे हमने देखा जो कमजोर सी होती है ना तो उसका दूध ज़्यादा बताता जी, होता ही दूध ज़्यादा है, जो ज़्यादा फैली हुई गाय होगी वो दूध कम देगी। तो ये वहाँ पर चला लेंगी जी? वहाँ ठीक है जी, ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं है, गाय चलेगी वहाँ, चलती है गाय। हम जहाँ जाते हैं ना जी, तो एक हमारी कमजोरी है या हमारी कुछ भी कह लो, कि अगर हमने गलती देख ली तो हमने आपके सामने कह देनी है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग बुरा नहीं लगता? नहीं, वो बुरे वाली बात नहीं, वो तो शुभचिंतक होता है, जो मुंह पर बुराई की बात बोले ना उसको मैं शुभचिंतक मानता हूँ। शुभचिंतक की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, जी। कि आपने गाय भेजी जी, और वो गाय खराब निकल गई जी, फिर सोचते हैं कि आप फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा जी, आपके भाई भी ऐसा ही करते हैं, आपने भी ऐसा किया? कहाँ किया जी, हमने हमारी गाय दो आदमी ले गया, एक उसके पास नहीं ठीक आ रही थी, हमने वापस मंगाई और हमारे पास सेटिंग कर रहे हैं। एक गाय उसके पास 6 लीटर दूध दे रही थी, अभी 22-24 लीटर दूध कर दिया। राजेंद्र जी जी, अगली आ गई है जी, लॉट की ये कौन सी है? 5वीं? 5 नंबर है जी। 5 नंबर है जी। कितना दूध देगी? छोटे कद की है। 37-38 लीटर दूध देगी जी। इतना दे देगी? फुल ब्रीड है, और बात ही छोड़ो ब्रीड की तो इसके बारे में। राजेंद्र जी, एक जो होता है हाइट में चली जाती है, एक कम में रह जाती है, ये कौन सा सीमन का फर्क होता है? डेनमार्क की गाय ज़्यादा हाइट देती है, वो हाइट ज़्यादा है जी। ABS में हाइट उतना मैटर नहीं करती, पेट ज़्यादा गोल हो जाता है, वजन ज़्यादा होता है। अब इसका पेट गोल है जी, बिल्कुल। तो ये किसान के यहाँ घरेलू है क्या? नहीं, फार्म की गाय है जी। थान बड़े लंबे हो जाए? थान बड़े बढ़िया है, लेकिन थान बनावट बहुत शानदार है, ऑर्डर के चारों खाने लगे जी, दूध की निशानी यही है जी, जो आंचल की दूरी है वो पूरी 6-6 इंच बन जाएगी लगभग। अच्छा, बहुत टॉप क्वालिटी की गाय है। तो 37-38 देगी जी, कितना समय मांग रही है? ले जाएगी 20-25 दिन अभी, तब तक तो ऑर्डर फिर बहुत पूरा ऑर्डर बनेगा जी। आप बोलोगे कि हवा भर दी इसमें, ऐसा ऑर्डर बने। तो अगर ये अकेले होती कितने की होती है? ये बिक जाती है 1,05,000 इतने की बिकती है, 1,05,000 के लगभग जी। 6 दांत में आ गई है? 6 दांत में, सेकंड में है जी। सेकंड में है, कितना समय मांग रही है? ये लेगी 15 दिन जी। जो पहले दिखा रहे थे जी, वो कौन सी ब्यांत की थी? वो 37-38 लीटर वाली, वो सेकंड में थी। अच्छा, ये भी उसके दांत नहीं दिखाए, वो 4 ही दांत थे। अच्छा, उसके भी 4 जी, हाइट इसीलिए थोड़ा छोटी पड़ रही है। अब ये कितने दूध में है? इसने 30-32 दिया जी पहले बेहतर है। अच्छा, अभी 40 के लगभग, 40 के लगभग चली जाएगी। 8 लीटर बढ़ जाएगी? हाँ, 5-7 लीटर तो मामूली है, 40 के लगभग। उससे अगली बात में कितना बढ़ जाएगी?
उसमें भी 5 बढ़ेगी, 45 लीटर होने चाहिए। कितने, तीसरे कितने बयान तक बढ़े? तीसरे तक बैठ, तीसरे तक बढ़े। फिर उसके बाद स्टेल हो जाती है, 2-3 पीरियड वही रहते हैं, चलती है, फिर डाउन होने शुरू, फिर डाउन हो जाती है। अब इसको अगर ड्राई करना पड़ा तो कितने बजे ड्राई? 15-18-20 के लगभग। अच्छा, जैसी डाइट प्लान होगा ना आदमी का, वैसे ही होगा ना। अगर अब जानवर को खिलाया गया नहीं, भूखी रखाया गई, तब तो कोई मैटर नहीं है कि दूध। अच्छा, हीट में जब इसने आना होता है जी, तो आपको पता चल जाता? जी बिल्कुल। कैसे? कई तो भूख होती है, बताती शो नहीं करती? हाँ नहीं शो करती, लेकिन गाय पानी गिराती है। अच्छा, पितल पतला पानी गिराएगी, तार बोलते हैं जिसको पंजाबी में, तो उसमें पता लग जाता है कि गाय हीट में आ गई है। हीट कितने तरह की होती है? हीट तो नॉर्मली एक टाइप की होती है, हीट में तो मतलब जैसे उसके लक्षण जो हैं। लक्षण तो एक है, ज़्यादातर तो गाय जंप करने लग जाती है, साथ वाली गाय ज़्यादा हीट, तेज हीट आती है जिन गायों में। अच्छा, वो जंप करेगी? हाँ, वो जंप करने लग जाती है और पानी ज़्यादा गिराती है, शो हो जाता है। बहुत कम गाय ऐसी होती है साइलेंट हीट में आती हैं, जो अपनी हरकतों में चेंज नहीं करती, लेकिन पानी जरूर गिराती है। पानी जरूर जी, पानी से ही पता चलेगा। मतलब अगर आपने पशु रखने हैं तो आपको तबेले में हाजिरी देनी होगी? तबेले में तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर आपको ये काम करने हैं। लेकिन आजकल के लड़के ये समझ रहे हैं कि हम मशीनें ले रहे हैं, 30 लीटर 35 लीटर दूध दे देगी गाय, बहुत मुश्किल काम है। काउंटिंग करके बना लेते हैं। बस ये धंधा ऐसा पता चलता, तीसरे दिन बीमार हो गई, तीसरे दिन यही पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, जेर नहीं पड़ा, मैली नहीं पड़ा, गंदगी फेंक रही है, बहुत सी बहुत ज़्यादा लंबा इसका चैप्टर है। जैसे हीट में आई पता नहीं चला, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान ही है सर, गाय खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, दूध भी 2-3 हीट आएगी तो दूध कम होना शुरू हो जाएगा उसका। जब वो नहीं पकड़ी जाएगी हीट, तो दूध भी डिस्टर्ब हो जाएगी गाय अंदर से, तो दूध कम हो जाएगा, वो मैटर करता। अच्छा, हीट में आना भी फीड के ऊपर निर्भर करता जी? अंदर का सर्कुलेशन ठीक है तभी हीट पे आएगी ना गाय, गाय का सब पूरा सर्कुलेशन ओके है तब हीटिंग आएगा उसका। मतलब पूरी एक तरह की मैकेनिज्म है इसे? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत लंबा चैप्टर है, सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास पैसा है और गाय आप ले लिया और उसके बाद दूध डाल लिया। बहुत 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 बहुत, सीखने और समझने बहुत लंबा चैप्टर है ये, और सबसे बड़ा चैप्टर है कि जितनी देर आपका भगवान इसमें पार्टनर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिना उसके मदद से आप ये काम नहीं कर। इसका मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है? ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, आपको डेयरी में जाके काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दूसरा आदमी क्या कर रहा है जो मेरे से ज़्यादा कारीगर है। चार दांत निकाल गए? हाँ, चार दांत निकाल, वेट कम है, कहीं दूध दांत होगी? दूध दांत होगी। तो इसका जो ऑर्डर जो है बहुत 30+ की, ऐसा कि देखते रहो इसको बस, 30+ की बछड़ी है जी। अच्छा जी, पहले उनमें 30 लीटर। अब ये क्या दाम में लगाएंगे? ये लॉट में लगाया है, नहीं लॉट में, वैसे तो 85 की है, अकेले में 85 की है, 85,000 की जी। तो आप 25,000 इसमें अधिक कमा, 20,000 ज़्यादा ले लिया जी इसमें, 20,000 ले जी। तो वापस करोगे? हाँ वापस कर देंगे, दूसरियों को ज़्यादा ले लेंगे, जो 1.5 लाख की 1.5-2 लाख की भी है बीच में, वो उसका ज़्यादा ले लेंगे। लॉट का मतलब यही है सर, एक आध बीच में कम दाम के हुए तभी लॉट बनेगा ना। भगवान ने ये एक छिक्कू हम लोगों को डाला गले, हम लोग परेशान हो गए जी जी, सोचते हैं कब उतरे, कब और आप एक गाय के चार चार डाल देते हो। हाँ जी, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं डर तो लगता, रस्सा डालना बुरा है वैसे तो, गाय को रस्सी नहीं डालना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, ज़्यादा गाय हो जाती है तो रस्सी डालना पड़ता है, लेकिन ये गलत बात है कि दो हमने आपकी बात सुना तुरंत उतार दिया जो फालतू था। तो ये गाय जो है जी, जो दूसरी तीसरी बार ला रहे हो उसको? नहीं घुमाते जा रहे हो? नहीं भैया, ये तो MP वालों की गाय है, दूसरी गाय है। किसने खरीदी है? ये भाई साहब ने खरीदी है, बुलंदशहर वाला। अच्छा भैया, बुलंदशहर यूपी से हैं? यूपी से हम भी गए हैं बुलंदशहर। तो ये गाय आपने कितने में खरीदी है? ये गाय 80-83 में खरीदी। 80 में 83 में? 83 में, नहीं तो दो भाव बोलते हैं। 83,000 में लॉट लिया उन्होंने, 10 गाय 8 और 3 83 में। कितना दूध देगी? दे देगी 25-30 लीटर। 25 ही दे देंगे? ये 35 लीटर के लगभग दूध देने चाहिए, डाइट सही जाए। आपकी बात है जी, मैं हमारी बात है जी। कौन सी ब्यांत की है ये? ये सेकंड में बच्चा दे, तब तक भी आएगी भी। तो ले जाएगी 20 दिन अभी, 20 दिन ले जाएगी जी। तो 35 लीटर देगी जी, वो 25 का अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने 25 और 30 माना है, हमने जो अगर 25 से कम देना तो टेलीफोन करके हमको भी बताना, देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अशोक जी को बताना, अगर पूरा लाट 30 के लगभग ना दे तब भी बताना। आपके पास कितनी है पहले? हमारे पास 30 गाय और है। 30 है? कितना दूध होता है वो तो अभी कुछ बयानी है, कुछ नहीं। तो क्या बेचते हो दूध? हमारा बिक जाता है
35-40 रुपए बिक जाए। घर घर देते हैं या डेयरी में देते हैं? डेयरी में। डेयरी तो गाय का तो इतना महंगा जाता नहीं, हमारे यहाँ इतना ही रेट रेट सही है इनके। हाँ जी राजेंद्र जी, जी अब ये जो गाय दिखा रहे हो अगली 9वें नंबर पर है ये जी, जी जी तो ये जो है जो पहले आपने दिखाई है जी, सारी का जो शरीर था वो संतुलित था, जैसे खुराक संतुलित है जी, लेकिन अब ये ऑर्डर भी नीचे आ गया जी, पेट भी गोल हो गया है जी, तो शरीर छोड़ गई है, क्या कारण? नहीं शरीर नहीं छोड़ा, इसके क्रॉस नस्ल की है थोड़ी। अच्छा, क्रॉस में HF और दोगली गाय में बच्चा है ये, इसलिए थोड़ा ढीले शरीर की है। तो ये घरेलू है? घरेलू है ये। तो फार्मर और घरेलू में यही फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है, जो डाइट डाइट सही खाएगा वो डाइट बैलेंस में नहीं देते हैं। नहीं बैलेंस देते हैं तो अधिक देते हैं, नहीं तो नहीं देते, नहीं देते, नहीं तो हरा चारा भी चलता है। तो कितना दूध देने वाली है ये? 25-30 के बीच में पका रहने वाली है। इतना देगी? तो क्या दाम की है ये? ये लॉट में ही है, 82 ईयर वाले में। अच्छा, तो वो जो उनको 82 का दाम? 83 ईयर का दिया। 83 का दिया बुलंदशहर वालों? बुलंदशहर। कितनी गाय? 10 गाय जी। 10 गाय दी है जी। तो ये कौन सी ब्याज की बताया? ये सेकंड में सूरी है। ये तो बहुत बड़ी लगती है, चौथे पास में होती है। वो वही बात है ना कि घरेलू कोई भी सुआ 1.5 साल में ले लिया, कोई 2 साल में ले लिया, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो उसमें शो अपने कितने ब्याज तक चलेगी अंदाजा? अगर अच्छी डाइट पे हो जाए तो ये दूसरे में ही रहेगी 4 बार जनने के बाद। अच्छा जी, डाइट पे प्लान करेगा इसका शरीर? 25-26 देगी? 25-30। अगर अकेले होगी तो कितने की होगी ये? ये होती 80 के लगभग, 75 से 80। अब 83 में चली गई? हाँ, 2-3 हजार का फर्क है। माल इनका तो सारा 10 गाय उन्होंने ली, तो कितना भाड़ा लगा वहाँ का? 18 हजार रुपया भाड़ा लगा जी। 18 हजार जी। बुलंदशहर? बुलंदशहर। कितने किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से? 450 है लगभग। 450 पड़ जाता। राजेंद्र जी जी, वो खिलाड़ी बढ़िया खेलता है ना जी जी, तो कहते हैं फॉर्म में है, फॉर्म में है। हाँ, और जब थोड़ा गड़बड़ करता है तो कहते हैं क्या हो गया तुझे? ठीक बात है, तो बड़ी अच्छी अच्छी गाय दिखा रहे हो, फॉर्म में हो। हमारे तो आप पिछली सारी वीडियो में गाय अच्छी है भाई साहब, कोई गाय हम कोशिश करते हैं कि ग्राहक को जितना पैसा उससे ज़्यादा रिजल्ट मिले, जितना पैसा उसका लगे उससे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। भाई हम तो तारीफ तब करेंगे अगर हलवा हमको खिलाओगे तो। आपको हलवा ही हलवा, आपके लोग तारीफ करेंगे कि बढ़िया वीडियो बनाया भाई साहब। हम अब आज आपको दो पंजाबी लड़के मिले हैं हमारे, चरण छुए उन्होंने आके, आपको खुशी नहीं हुआ उसमें? वो हलवा ही था, वो बाद में घुटने भी मेरी दर्द करेंगे। नहीं करेंगे तो। ये कितना दूध देने वाली है? ये इस बार 40 लीटर दूध देगी, थर्ड लोटेशन में है। इसका ऑर्डर कुछ और ही बोलता है, आगे वाले थान बड़े हैं पीछे बड़े? अभी इसका है 10 दिन का टाइम है, साइज में नहीं है, 10 दिन का टाइम है, बिल्कुल चारों थान एक ही साइज के। कौन सी ब्यांत की है ये? थर्ड में। तो थर्ड वाली इन्होंने पसंद की है जी। दूध का मैटर है, कितना देगी दूध? 40 के लगभग दे देगी। 40 दे देगी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी गाय है। अब अकेली कितने की होती फिर ये? 80-85 हजार की गाय। अब भी 83 की है? हाँ जी। ठीक, हाँ जी राजेंद्र जी जी, ये आके 10वीं गाय आ गई है, 11वीं आ गई जी, 11वीं आ गई जी। तो क्या कहते हैं? ये अपना नया लॉट है जी, उसमें से सैंपल दिखाएंगे आपको। क्या दाम की है? 85 का लॉट है। 85 का दूध कितना होगा? दूध देगी 30 लीटर जी। 30 लीटर अकेली कितने की होगी? अकेली भी लगभग इतने ही वाली है। कौन सी ब्यांत की है ये? सेकंड में बच्चा दे रही है, अभी 6 दांत है। कितना समय है? बस 4-5 दिन ले जाएगी। और 4-5 दिन ले जाएगी जी। राजेंद्र जी जी, घरेलू आएगी या फार्म की है? है तो फार्म की जी, लेकिन छोटे फार्म की है, 10-20 वाले। हाथ से चुवाई वाला? हाथ से भी चुवाई करते हैं, मशीन से भी लग जाते हैं, लेकिन ये ABS का नमूना है, बहुत शानदार गाय है। अच्छा, 30 लीटर पहले उन्होंने दिया, अभी सेकंड में देगी। सेकंड में जी जी। तो अब ये 85 में जा रही है? हाँ नहीं, 85 के लॉट में है जी। हाँ, तो अभी अकेले का क्या दाम होगा? 30? अकेली तो 1 लाख से ऊपर वाली बेच रही है। कुछ रेट बढ़ गए? कुछ 10 हजार रुपए रेट ज्यादा है। कुछ फर्क भी पड़ा है कि गाय कम मिलने लगी? गाय भी कम मिलेगी अभी सर, कुछ दूध का रेट 2 बार हाइक हो गया है, 11 तारीख को बढ़ा, 1 तारीख को आज फिर रेट बढ़ गया पंजाब में, और बढ़ेगा रेट अभी तो कम से कम अप्रैल में तक 5 रुपए रेट और बढ़ जाएगा। तो राजेंद्र जी, देखो ऐसा है, जैसे अपने यहाँ गेहूँ हर साल आ जाता है जी, मक्का हर साल आ जाता है जी, तो इन गाय जो जितनी पंजाब में है तो इनकी भी तो बच्ची आती ही है जी जी, अब तो सेक्सीमन की वजह से और बढ़ गई और बढ़ तभी तो कौन तभी सा खत्म होने का अंदेशा? खत्म हो ही नहीं रही है, तो बहुत जा रही है, इतना जाती है अब तक तो खत्म ऐसी चलेगा बिल्कुल। लोगों को बहम है बिना मतलब के? वो तो फालतू की बातें हैं जी, पंजाब में ना तो शहीद खत्म हो गए ना ये माल खत्म होगा, जितने मर्जी शहीद कर लो इसमें वो बढ़ते जाएंगे, और ये गाय वाय तो इनका खा बाएं हाथ का काम है पंजाबियों का। भाई धंधे में काम आने वाली आपने बातें की हैं, बहुत बढ़िया की हैं, धन्यवाद, आपके बहुत आभारी हैं।
और इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद। जय।